हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, सरफेस किसका? सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, वही परिभ्रमण ठोस का। इस पे आज हम आपको जनरल कॉन्सेप्ट क्यों दे रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट, टू जनरेट सरफेस वी रिवॉल्व एन आर्क अबाउट अ लाइन। टू जनरेट वॉल्यूम वी रिवॉल्व एन एरिया, एंड टू जनरेट सरफेस वी रिवॉल्व एन आर्क। पहला फैक्ट तो यही है, टू जनरेट अ सरफेस वी रिवॉल्व एन आर्क अबाउट अ लाइन। जैसे कि आप इसके अबाउट इसको पैरेलल किया, चारों तरफ घुमा लिया ना, तो आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? एक खोखला सिलेंडर दिखेगा, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के पास क्या जनरेट हुआ? सरफेस, पृष्ठ, सरफेस जनरेट हुआ। ऐसा सिलेंडर हुआ सरफेस, इसी सरफेस का एरिया निकालना है, एंड दिस सरफेस एरिया इज डिनोटेड बाई कैपिटल एस। दूसरी चीज, जनरेटिंग सिस्टम वॉल्यूम में जो कॉन्सेप्ट था वही यहाँ पे है। वो मिनिमम पोर्शन आर्क का जिसको घुमाने से वही सॉलिड जनरेट हो जो पूरे आर्क को घुमाने से जनरेट होता है। द मिनिमम पोर्शन, द मिनिमम पोर्शन ऑफ आर्क विच जनरेट्स द सेम सॉलिड, विच जनरेट्स द सेम सॉलिड इज कॉल्ड द जनरेटिंग सिस्टम, इज कॉल्ड द जनरेटिंग सिस्टम। आपको वॉल्यूम में भी ये चीज समझाई गई है, इसे समझने के लिए फिर वही इलिप्स में ले ले रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस। इलिप्स माने कर्व को, इस कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो जो सरफेस जनरेट होगा वही सरफेस तब भी जनरेट होगा जब हम इस अपर पोर्शन ऑफ द कर्व को, इस हिस्से को, इस कर्व को मेजर एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। सो द अपर पोर्शन ऑफ द आर्क इज द जनरेटिंग सिस्टम, और जनरेटिंग सिस्टम की ही लिमिट लिखी जाती है वॉल्यूम में भी सरफेस में भी। इन दोनों में जनरेटिंग सिस्टम को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। वी राइट द लिमिट्स ऑफ जनरेटिंग सिस्टम, वी राइट द लिमिट्स फॉर जनरेटिंग सिस्टम, फॉर जनरेटिंग सिस्टम। ये हुआ। इसके बाद फिर हम बात शुरू करते हैं फॉर कार्टेशियन कर्व क्या कॉन्सेप्ट होगा सरफेस का। सरफेस जब भी हम बोले फाइंड सरफेस मींस वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस निकालिए का मतलब सरफेस का क्षेत्रफल निकालिए, एरिया ऑफ द सरफेस निकालिए, शॉर्ट में उसको बोलते हैं सरफेस निकालिए। तो उसको तीन भागों में हम बांट दे रहे हैं। ए, फॉर कार्टेशियन कर्व्स, फॉर कार्टेशियन कर्व्स, इसमें भी नंबर एक, व्हेन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, वो लाइन जिसके अबाउट आर्क को हम घुमाएंगे उसको एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन बोलेंगे। When axis of revolution is x axis, ये आर्क है, कर्व का एक पोर्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें भी हम सिर्फ इस आर्क को, इतने हिस्से को, हमने बाउंड्री लगा दिया ना, एक इधर, सिर्फ इतने हिस्से को हम x एक्सिस के अबाउट घुमाना चाह रहे हैं।
ये दो बाउंड्रीज हैं, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। इस आर्क को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने से जो पृष्ठ बनेगा, जो सरफेस बनेगा, उसी का एरिया कैलकुलेट करना है। कॉन्सेप्ट सीधा साधा, इसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट इसमें से लेंगे। एलिमेंट्री आर्क मतलब बहुत छोटा सा टुकड़ा है, अभी दिखाने के लिए तो हम बड़ा सा बनाएंगे क्लैरिटी के लिए, लेकिन ये बहुत छोटा सा है। और इस हिस्से का जो लेंथ है उसको हम डेल्टा एस से डिनोट कर रहे हैं। स्मॉल एस लिखते हैं आर्क लेंथ के लिए, कैपिटल एस लिखते हैं सरफेस के एरिया के लिए, एरिया ऑफ द सरफेस। और ये जनरल पॉइंट हमने ले लिया है पी एक्स वाई ना, ये पॉइंट है एक्स वाई, एक्स वाई जनरल पॉइंट पी। यहाँ से हमने ऑर्डिनेट खींच दिया, परपेंडिकुलर ये एन, यहाँ पे समझो कि पी लिखा है, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी वाई, ठीक ना। और ये पूरा हिस्सा आप इसको नहीं घुमाना है, बस इसको लाइन को हम खींच दिए कि आपको पता रहे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वाई है, घुमाना सिर्फ इतने हिस्से को। अब आप सोचिए इस चौड़ाई को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है, इसको ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे 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 घुमाना है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा चौड़ा सा रिंग, ऐसा बनेगा। इस चौड़ाई को बीचों बीच में कौन है, बीचों बीच में एक्स एक्सिस है, समझ रहे ना, समझिए बढ़िया से। तो इस एक्स एक्सिस के अबाउट इसको आप घुमाएं ऐसे 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 ऐसे, यही तो बनेगा। ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का सरफेस क्या बना, ये सरफेस बना। इस सरफेस का एरिया क्या होगा, उस सरफेस एलिमेंटरी सरफेस एरिया को आप अंडर द गिवन लिमिट्स इंटीग्रेट कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अब इसका सरफेस एरिया हमें निकालना, देखते रहना, इसको हम यहां से ऐसे खोल दे रहे हैं, ये तो जो सर्कमफरेंस था, सर्कमफरेंस परिधि, वो बन गया लेंथ। और ये जो डेल्टा एस, ये ब्रेथ यहाँ लिए थे चौड़ाई, वो रहेगा चौड़ाई। तो इसका एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, सर्कमफरेंस 2π रेडियस, और रेडियस कितना होगा, यही तो वाई तो घूम रहे हैं ना, देखो इसके चारों तरफ कितनी दूरी पे घुमा रहे हैं आप, वाई दूरी पे, वाई दूरी पे, तो वाई रेडियस हो गया। तो 2πy सर्कमफरेंस कितना होता है, 2πr, ये हो गया एलिमेंटरी सरफेस, एलिमेंटरी सरफेस इक्वल्स टू 2π रेडियस, ये हो गया लेंथ, और ब्रेथ हो गया डेल्टा स्मॉल s, इसी को इंटीग्रेट कर दो। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया कैपिटल S इक्वल टू इंटीग्रल 2πy ds, यही डेल्टा s इंटीग्रल के साइन के अंतर्गत लिखा जाएगा, तो ds लिखा जाएगा। लिमिट जो दी गई है वो x की दी गई है, किनारे यहाँ ds लिखा हुआ है, तो ds को हम क्या लिख देंगे, ds अपॉन dx, dx x की लिमिट लिख दिया हमने a टू b, हो गया, ये फार्मूला तैयार हो गया। तो जो मेन फार्मूला है, मुख्य फार्मूला है, वो है इंटीग्रल 2πy ds, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है, तो इसको बना देना है ds अपॉन dx, dx, और ये सब फार्मूले आपको पता है, वेयर ds अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वाई डी एस स्क्वायर। बी नहीं, सेकंड, ए में ही सेकंड, व्हेन एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन इज y एक्सिस, तो x और y के रोल को चेंज कर दीजिए, भूमिकाओं को बदल दीजिए। बाकी सारा काम वैसे ही, ये मान लीजिए कर्व है, ये दो बाउंड्री हमने खींच दिया, एक y इक्वल टू सी, एक y इक्वल टू डी। इस आर्क को y एक्सिस के अबाउट घुमाना है, ये जनरल पॉइंट है पी एक्स वाई, और ये थोड़ा सा आर्क लिया हमने इतना। अब की बार इस पट्टी को y एक्सिस के चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे, तो यही रेडियस बन के घूमेगा ना चारों तरफ, तो रेडियस कितना होगा, ये दूरी, ये लेंथ कितनी है वाई एक्सिस से दूरी, एक्स कोऑर्डिनेट, ये है एक्स कोऑर्डिनेट। तो अब की बार आपको ऐसा मिलेगा,
ऐसा मिलेगा, वही चीज है ऐसा मिलेगा, ऐसे गोल गोल घूमेंगे ना, तो फिर वही 2π रेडियस इंटू डेल्टा एस, 2π रेडियस इंटू डेल्टा एस, और रेडियस कितना है x, तो एलिमेंटरी सरफेस बराबर 2π x डेल्टा एस, और इसे इंटीग्रेट कर दो 2π x ds, ये फार्मूला आ गया 2π x ds, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है, जिसको हम बना देंगे ds/dy/dy, वेयर ds/dy इज इक्वल टू 1 √1 / 1/y² तो व्हेन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज एक्स एक्सिस, फार्मूला बता दिया इंटीग्रल 2π y ds, व्हेन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज वाई एक्सिस, फार्मूला इज इंटीग्रल 2π x ds। अब ना तो एक्स एक्सिस ना तो वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन हो, इनके अलावा कोई और लाइन हो, तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा सिमिलर। थर्ड, व्हेन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज अ लाइन अदर देन एक्सीज, अक्षों के अतिरिक्त कोई लाइन हो। अब ये आर्क है, ये एक्सिस है, यहाँ पे हमने जनरल पॉइंट लिया PXY, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया N, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो ले लिया। और अब यहाँ पे हम एलिमेंटरी आर्क लेंगे, आर्क लेंथ, और इसकी लंबाई कितनी लेंगे कुल, डेल्टा स्मॉल s, इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे। तो अगर ये एक्स एक्सिस होता तो ये वाई होता, लेकिन ये एक्स एक्सिस नहीं है, हम लाइन जरूर सीधी खींच दिए लेकिन एक्स एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस के अलावा कोई लाइन है। तब देखो सरफेस एरिया बराबर क्या होगा, इंटीग्रल क्या निकला था 2π y, y माने यही तो pn था ना, तो 2π pn और ds, दिस इज द फार्मूला, बस यही फार्मूला। अब ds को किस रूप में हम कन्वर्ट करेंगे वो तो जब आप क्वेश्चन करिएगा तब समझ में आएगा कि लिमिट x की उपलब्ध है कि लिमिट y की उपलब्ध है, उस हिसाब से इसको हम चेंज कर देंगे। अब पार्ट बी, फॉर पोलर कर्व्स, इन्हीं फार्मूलों को, जो कार्टेशियन के लिए फार्मूले निकले हैं, इन्हीं को हम पोलर में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है पोलर के लिए। वॉल्यूम में जैसे था ना, पोलर कर्व्स के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के लिए स्पेशल फार्मूला था, और वो स्पेशल फार्मूला प्रॉब्लम के कैलकुलेशन को बहुत ईज कर देता है। नंबर वन, व्हेन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज द इनिशियल लाइन इज द लाइन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो कौन सी लाइन होती है, इनिशियल लाइन, तब सरफेस एरिया का फार्मूला होगा इंटीग्रल 2π y ds, ये तो मेन फार्मूला हो गया, इनिशियल लाइन माने एक्स एक्सिस। इसी को देखो पोलर में हम बदल दे रहे हैं, इक्वल टू इंटीग्रल 2π y माने r sin थीटा, और ds को क्या लिख दें हम, ds/dθ dθ, लिमिट जो भी उपलब्ध होगी जैसा क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से लिमिट लगा देंगे। वेयर ds/dθ इज इक्वल टू √r² + r1² r1 क्या चीज है, dr/dθ का नोटेशन है ये। नंबर टू, व्हेन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू मैंने वाई एक्सिस, प्राय हम लोग यही करते हैं, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल 2π x ds, यही तो आया था, अब इसको पोलर में बदल लेंगे, इक्वल टू इंटीग्रल 2π x माने
आर कॉस थीटा, और डीएस को हम लिख देंगे डीएस अपॉन डी थीटा डी थीटा, डीएस अपॉन डी थीटा इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर। ठीक, थर्ड व्हेन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज इज अ लाइन अदर देन एक्सिस, अदर देन एक्सिस, वही फिगर बना दीजिए, ये एक्सिस है जिसके अबाउट आर्क को घुमाया गया है, ए एलिमेंटरी आर्क है, इसी को इसके अबाउट घुमाना है, यहाँ एन यहाँ पी और बस सिमिलर कॉन्सेप्ट, एस इक्वल टू इंटीग्रल टू पाई पी एन डी एस हो गया, चूंकि पोलर के लिए लिखना है इसलिए इसको लिख देंगे इंटीग्रल टू पाई पी एन, और डी एस को हम लिख देंगे डी एस अपॉन डी थीटा हो गया, फॉर्मूला तैयार। इसके बाद सी पार्ट सी फॉर पैरामेट्रिक कर्व्स, फॉर पैरामेट्रिक कर्व्स, वही कार्टेशियन के जो फार्मूले हैं वही मेन फार्मूले हैं, उन्हीं को हम कन्वर्ट कर दिए पोलर में, उन्हीं को हम देखो कन्वर्ट कर देंगे पैरामेट्रिक में। नंबर एक, व्हेन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज, व्हेन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज एक्स एक्सिस, फार्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन इज इंटीग्रल टू पाई वाई डी एस, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस रूप में, टू पाई वाई जो भी दिया रहेगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया रहता है ना एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी, तो वाई की वो वैल्यू रख देंगे और डी एस को हम लिख देंगे डी एस बाई डी टी डी टी। सेकेंड, वेन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, वेन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज वाई एक्सिस, फार्मूला फॉर द सरफेस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल टू पाई एक्स डी एस, एक्स की वैल्यू टी के रूप में पैरामीटर के रूप में दिया रहेगा इक्वेशन में, वो लिख देंगे इंटीग्रल टू पाई एक्स डी एस को लिख दिया डी एस बाई डी टी डी टी, इन दोनों में ही डी टी हम इकट्ठे लिख दे रहे हैं, वेयर सॉरी वेयर डी एस अपॉन डी टी डी टी नहीं डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, एक्स डॉट माने पैरामीटर के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, एंड वाई डॉट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर मीन्स डी वाई बाई डी टी, ऐसे ही वो वाला भी जो एक्स अदर देन एक्सिस, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन होता है। थर्ड, व्हेन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज अ लाइन अदर देन एक्सिस, अदर देन एक्सिस, सरफेस एरिया के लिए फार्मूला एस इक्वल टू इंटीग्रल टू पाई पी एन टी एस, जिसे हम चेंज कर देंगे इंटीग्रल टू पाई पी एन डी एस बाई डी टी और डी टी, डी एस बाई डी टी का यही मान है, फिगर बनाना चाहे तो बना दे, ये है ना ये पी एक्स वाई है जनरल पॉइंट, ये जन एलिमेंटरी आर्क है जिसको घुमाना है, और ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, ये एक्स एक्सिस नहीं है। ये था कंसेप्ट, जनरल कंसेप्ट फॉर सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। पहला वीडियो थोड़ा छोटा वीडियो आपको हम दे रहे हैं, अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल्स आपको समझाएंगे।
क्लासिफाई करके समझाएंगे। पहले हम आपको समझाएंगे वो एग्जांपल्स जिसमें एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन हो, फिर आपको हम समझाएंगे वो एग्जांपल्स जिनमें वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन हो, फिर आपको हम समझाएंगे वो एग्जांपल्स जिनमें एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन हो वो लाइन जो ना तो एक्स एक्सिस हो ना तो वाई एक्सिस हो, कोई और लाइन हो। ठीक, बहुत कठिन नहीं है, आसान है। ये कि आपको कर्व्स, स्टैंडर्ड कर्व्स आपको मालूम होने चाहिए। तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, कर्व ट्रेसिंग, प्लेलिस्ट आप देखो कर्व ट्रेसिंग का। इसमें 21 वीडियोस हैं, बहुत लंबी चढ़ी सब इसमें तामझाम है, पूरी तैयारी हमने किया कर्व ट्रेसिंग का। जितने चैप्टर रास्ते में पढ़ते गए सबको पढ़ते गए हम लोग, सिंगुलर पॉइंट्स का हुआ, एसिम्प्टोट्स का हुआ, उसमें मेनली आपको लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स पढ़ना है, जो आपको देखना है वो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स। यही मैं बार बार आपसे हर चैप्टर में बोला, क्वाड्रेचर में बोला, रेक्टिफिकेशन में बोला, वॉल्यूम में बोला, सरफेस में भी बोल रहा हूँ, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स ये आपको मिलेगा वीडियो नंबर 4, 5, 6 में, वीडियो नंबर 4, 5, 6, इसे आप जरूर देख लें, इसे देख लें, स्टैंडर्ड कर्व्स के बारे में आप जानकारी ले लें, तभी आप इस चैप्टर को पढ़ें, तभी आप वॉल्यूम पढ़ें, तभी आप क्वाड्रेचर वाला चैप्टर पढ़ें, तभी आप रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप बहुत हल्का महसूस करोगे। क्योंकि मेनली देखो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं 90% से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब स्टैंडर्ड कर्व्स को इन्वॉल्व करते हैं, है ना। ऐसे ETC फुटकर कर्व वाले क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे, और अगर वो आगे सामने तो फिर कर्व को आपको ट्रेस करना पड़ेगा, पूरा पूरा ट्रेस करना पड़ेगा, उसकी पूरी ज्योमेट्री और पूरा सब आपको जानना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन कम से कम स्टैंडर्ड कर्व्स तो आप याद रखिए भैया, स्टैंडर्ड कर्व्स तो याद रखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल का नाम है गणितपुर, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरफेस की शुरुआत है ये, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन पे जितने वीडियोस बने उनकी सूचना आपको डायरेक्ट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।